तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, लिखा है ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रूट थ्री टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप प्लस मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप हो चाहे मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप हो, आप इनको ओपन करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और अगर जानते नहीं है तो आप देख लीजिए, मैंने ओपन करके दिखाया भी है, क्योंकि मॉडुलस किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये तो आप पहले से जानते हैं ना कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, ये जानते ही नहीं जानते, बस इसको यूज कर लीजिए। तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी ये निकल आएगा, जहां जहां यूनिट वेक्टर आएगा उसको वन कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जहां पर कॉस थीटा को आप पुट कर लीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। सिमिलरली बच्चों आप ए कैप माइनस बी कैप उसको भी आप निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे ए कैप माइनस बी कैप निकाला। तो बच्चों जब आप ए कैप माइनस बी कैप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू निकाली, किसी बच्चे ने ए कैप माइनस बी कैप, उसकी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों ये, ध्यान से देखिए लिखिए, ए कैप माइनस बी कैप के मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2। निकालिए बिल्कुल उसी तरीके से, मॉडुलस का पहले स्क्वायर निकालिए, हाँ फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आंसर 2 साइन थीटा बाई 2 आ गया। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, जो ए कैप माइनस बी कैप नहीं निकाल पा रहे तो भैया वो सोल्यूशन ही देख लें, सीधा सीधा पूरा सोल्यूशन है। और इस स्टेप में मैंने ए कैप माइनस बी कैप के या ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर निकाला है, तो ये कितना निकल के आएगा 2 साइन थीटा बाय 2। अब बच्चों हमें इवैल्यूएट क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है रूट थ्री टाइम्स ये वैल्यू। तो ए कैप प्लस बी कैप का मॉडुलस आप जानते हैं क्या है, आपने अभी निकाला, क्या निकाला, वो निकाला है आपने 2 कॉस थीटा बाई 2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। और ए कैप माइनस बी कैप के मॉडुलस आपने निकाला है 2 साइन थीटा बाई 2, सारी वैल्यू से आप पुट कर दीजिए, तो बच्चों आपके पास एक फंक्शन बन जाएगा, ये फंक्शन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला। और बच्चों ये तो आप पहले से जानते हैं ना कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला जो फंक्शन होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। तो आपको उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वो चेक कर लो। आपको इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह 2√3 है और बी की जगह 2 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो बन जाएगा 2√3 का स्क्वायर प्लस 2। तो सभी बच्चे चेक कर लें क्या आपको ये पूरा सॉल्यूशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मेरे ख्याल से पूरा सॉल्यूशन अब आपको क्लियर हो गया होगा और आप इस तरह के क्वेश्चंस कर भी सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों, पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे इंडिकेटेड है, ना आया हो तो पूरा सॉल्यूशन आप देख के दोबारा कर सकते हैं, ठीक है, ओके।